लोकल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुख करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके की खबर से करते हैं, जहां भूपिया मऊ ओवरब्रिज का एक हिस्सा टूटने का वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे आरोप लगाए और वीडियो ट्वीट करने के साथ लिखा कि तब भ्रष्टाचार की खिड़की खुल गई और साथ ही भाजपा की कलाई भी, जब 6 साल पहले ही बने भूपिया मऊ ओवरब्रिज के कंक्रीट के हिस्से गिरे। उन्होंने आगे लिखा कि सपा के समय बने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के मार्ग हवाई जहाज का वजन तक सह लेते हैं, लेकिन भाजपा के भ्रष्टाचारी निर्माण गाड़ी का वजन भी नहीं सह पा रहे हैं। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद सियासत गर्म हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर। प्रतापगढ़ जिले में आज दिखाई दिया सूर्य का अद्भुत नज़ारा, आधे घंटे तक नहीं हटी लोगों की निगाहें, सूर्य का यह नज़ारा बना कौतूहल का विषय। बता दें, तस्वीरें प्रतापगढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों के हैं, जहां आज दोपहर सूर्य की अद्भुत छवि देखने को मिली। मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए और इसकी जानकारी होने के बाद आसपास के लोग भी इस अनोखे सूर्य को देखने के लिए एकत्रित नजर आए। सुनिए क्या कुछ कहना है इलाके के लोगों का। ये बताइए, जो सूर्य का नज़ारा दिखाई दिया आपने अभी देखा? जी, ये जो सूर्य का नज़ारा आज देखने को हमको मिला है, इसके पहले चंद्रमा के नीचे बिंदी देखने को मिली। इसको देखने के बाद लग रहा है जो चीज़ें घटनाएं हो रही हैं ये हमारे लिए नहीं है और दुनिया के लिए भी नहीं है। क्या होने आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च, ली सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल। बता दें कि नवसेज नगर पंचायत हीरागंज बाजार में चुनाव को लेकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने को अर्धसैनिक बलों की आमद इलाके में हो गई है। सीओ सदर अमरनाथ गुप्ता की अगुवाई में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने शुक्रवार दोपहर बाद हीरागंज पूरे नगर पंचायत में फ्लैग मार्च कर अजय तत्वों को संदेश दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर। प्रतापगढ़ जिले में निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए किया जा रहा है ड्रोन कैमरे से निगरानी। पुलिस अधीक्षक ने ली पुलिस लाइन पहुंचकर परेड की सलामी। बता दें, तस्वीरें प्रतापगढ़ शहर के है, जहां निकाय चुनाव को लेकर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। वहीं प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक आज पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने परेड ड्रिल की सलामी ली और एमटी शाखा यूपी 112 के अलावा पीआरबी गाड़ियों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी सतपाल अंतिल ने संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया कि निकाय चुनाव को कैसे सकुशल रूप से संपन्न कराना है और संदिग्धों पर किस तरीके से निगाह रखना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां महिला सम्मेलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने लगाई महिला वोट बैंक में शेयर। बता दें, तस्वीरें प्रतापगढ़ शहर के, जहां भाजपा ने किया महिला सम्मेलन। इस महिला सम्मेलन में आई हुई महिलाओं को जागरूक करते हुए पदाधिकारियों ने बताया किस तरीके से आज मोदी और योगी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है और महिला सशक्तिकरण का जो नया रूप दिया गया है उससे महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी के अलावा महिला प्रदेश मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अनपुर इलाके की खबर की, जहां कोर्ट के आदेश पर 11 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ FIR, पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच। बता दें कि मामला अंतु कोतवाली इलाके के जोगीपुर का है, जहां के रहने वाले स्वर्गीय ब्रिजेश की पत्नी समला मिश्र और सूरमणि मिश्र के बीच जमीन का विवाद चल रहा है। समला ने पुलिस से शिकायत किया कि सूरमणि ने अपने साथियों संग उन्हें और उनकी बहू को पीटा और घर में तोड़फोड़ किया। 17 नवंबर 2022 की रात कई पेड़ उठाकर ले गए, कार्रवाई न होने पर कोर्ट में गुहार लगाई गई। कोर्ट के आदेश पर अंतु पुलिस ने सूरमणि सहित 6 नामजद और 5 अज्ञात पर चोरी सहित कई धाराओं में FIR दर्ज कर ली है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नगर पालिका क्षेत्र की अगली खबर, जहां आम आदमी पार्टी ने निकाला शहर में जुलूस। बता दें, तस्वीरें प्रतापगढ़ शहर के विभिन्न क्षेत्रों की है, जहां सदर बाजार से आम आदमी पार्टी के जिला दिनेश उपाध्याय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जीतने के लिए अपील किया गया।